हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन एकेडमी। सो जल्दी से बेटा एक बार चेक कर लीजिए, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को? चेक इट वंस, एवरीथिंग इज परफेक्ट? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल और नॉट? ओके, सो विल स्टार्ट द सेशन।
इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज उसी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू वन थिंग, दैट इज उड़ान बैच एंड द बुनियान बैच, ये दोनों बैचेस आपकी ऑलरेडी 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है. सो यू कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच बाय अप्लाइंग द कोड GA1111. दैट इज द कंप्लीट CSIT टीम, जो कि अनअकैडमी गेट अकेडमी टीम है, ये आप लोगों को कंप्लीट 2024 और 25 का प्रिपरेशन करवाएंगे अनअकैडमी एंड गेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. दैट इज द कोर्सेज, सिंपली यू नीड टू अप्लाई द कोड, दैट इज GA1111. इस कोड को अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कार्ट वैल्यू है उसके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं. कोड के साथ डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको एक जो गेट अकेडमी का गाइडेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. सो आपको गोल नेम सिलेक्ट करना है, लाइव गेट क्लासेस बाय द गेट अकेडमी, और अगर आप लोग प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 and 30 month दो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल है. एंड दैट वुड बी द कंप्लीट प्रतिज्ञा बैच टीम. ये प्रतिज्ञा बैच टीम आपको यहाँ पे क्या करेगी, पढ़ाएगी, ठीक है. नाउ इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ जाना चाहते हैं तो देयर इज अ रुद्रा रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है. और उसके अलावा अगर हम लोग देखें सेल्फ स्टडी कोर्सेज, तो इंग्लिश और हिंदी दो में सेल्फ स्टडी कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, दैट इज GA1111, ठीक है. तो ये आप यहां से बुक कर सकते हैं, गॉट इट. इसके अलावा आपके पास जी ड्राइव कोर्सेज भी अवेलेबल है और पेन ड्राइव कोर्सेज भी अवेलेबल है. सो यू कैन गो विद द अर्जुना बैच ऑल्सो, जहां पे आपको जी ड्राइव और पेन ड्राइव कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं. एंड 22 and 29 को आपका नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर शुरू होने वाला है, तो आप इस स्पेसिफिक मॉक टेस्ट पेपर को जरूर दीजिए. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू नीड टू सिंपली अप्लाई द कोड, दैट इज GA1111. इस कोड को अप्लाई करके और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है. सो यूज दैट कोड GA1111 एंड गेट द कंप्लीट गाइडेंस ऑफ द गेट अकेडमी टीम. तो कंप्लीट गेट अकेडमी टीम आपको क्या करेगी, यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है. और इस कोड को यूज करने के इसके अलावा क्या बेनिफिट है, आपको गाइडेंस तो मिलेगा, फिर उसके साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट भी मिलेगा, जो कि टॉप एजुकेटर्स ऑफ गेट अकेडमी टीम ने क्रिएट किए हैं. वो प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों को गेट अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड, ओके. ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग असिस्टेंस आपको मिलेगा, मतलब आप कॉल करके आपके डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं. PDF, हैंड नोट्स, वर्कबुक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट विल बी गिवन टू यू. तो अगर आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, उसके साथ में ये सारे बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलते हैं, ठीक. चलिए नाउ विल मूव ऑन दी क्वेश्चन पार्ट. तो स्टार्टिंग के शायद मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, है ना. 7 भी हो गया था, 8th क्वेश्चन भी हो गया था, आई थिंक यस. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9. सो ट्राई करिए इसको और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर. ट्राई इट वंस, एक बार खुद से ट्राई करें. यस ललित, 8th तक हो गया था, यस. 9th से हमें शुरू करना था, है ना. सो ट्राई दिस वन.
चलिए, व्हाट वुड बी योर आंसर? ए, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द एफ ए 01. ओके, चलिए लेट सी, दैट इज द स्टार्टिंग स्टेट, ए इज द स्टार्टिंग स्टेट, और अगर हम लोग देखें सी पे, तो सी जो है वो आपका फाइनल स्टेट है. ठीक, अब हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं ए से, है ना, वी आर गोइंग स्टार्ट विथ ए, इनिशियली आप वन वैल्यू लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, तो वन या जीरो किसी से भी आप स्ट्रिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट. उसके बाद आप देखिए जीरो के बाद आपके पास वैल्यू वन आएगा, सो व्हाट वी कैन से मिनिमम 01 तो हमें देना होगा फाइनल स्टेट को रीच करने के लिए. ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें, तो इनिशियली ये क्या बोल रहा है कि वी कैन गिव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 01 बट द एंड विथ 01. ओके, सेकंड से मिनिमम वन हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बट वन जो है आपका इस ऑप्शन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल वन के थ्रू आप सिर्फ स्टेट ए पे रहेंगे और ए इज नॉट अ फाइनल स्टेट, तो बी को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करें, तो इससे जो मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो वन वन जनरेट हो रहा है, बट यू कैन सी अगर हम टू टाइम्स वन भी देते तो हम स्टेट ए पे रहेंगे, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. अगर यहां से हम देखें तो ये मिनिमम दोनों स्टार है, वी कैन पुट दैट वैल्यू इज अ एप्साइलन, तो यहां से जीरो या वन में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, तो सिंगल जीरो सिंगल वन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दस, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, डेफिनेटली कैन गो विद ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग यहां पे जा सकते हैं. ठीक है, सो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. यस, नाउ देर आर फोर स्टेटमेंट्स, यू नीड टू चेक दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर, इनमें से कौन सा रेगुलर नहीं है ये चेक करना है आपको. राइट, सी एंड डी, दो ऑप्शंस आप लोगों के आ रहे हैं, समवन से सी एंड समवन से डी. लेट्स चेक. चलिए, सो व्हाट वी कैन से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रेगुलर, इनमें से कौन सा रेगुलर आपका नहीं है, है ना, हमें ये बताना है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ एस, सो स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ एस, कैन वी से दैट इट इज रेगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ ए इवन के लिए आपको क्या करना है, आप एक इनिशियल स्टेट देखिए. कोई भी लैंग्वेज को हम लोग रेगुलर कब कह सकते हैं, जब उसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हम लोग डिजाइन कर पाए. इफ देयर एग्जिस्ट एफ एस ए मींस इट इज रेगुलर, सो इवन नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट ए को क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, सेकंड ए को क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए. व्हाट वी कैन से, वी कैन एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट कर पा रहा हूं मतलब ये रेगुलर है, इट इज रेगुलर. आपसे क्वेश्चन में पूछा है नॉट रेगुलर कौन सा है,
स्ट्रिंग ऑफ एज हुज लेंथ इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए लेंथ अगर प्राइम नंबर है इट इज काइंड ऑफ लाइक ए टू दी पावर पी वेयर पी इज प्राइम नंबर। तो ये जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है इसमें कोई भी ऐसे पैटर्न्स नहीं बनते जो कि आप फाइनाइट स्टेट्स के अंदर कवर अप कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे पी प्राइम नंबर है, प्राइम कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं बनता कि एवरी सेकेंड नंबर इज प्राइम। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि एवरी सेकेंड नंबर इज इवन, तो हमने एक लूप लगा दिया, बट प्राइम के बारे में हमें नहीं पता कि एवरी सेकेंड नंबर इज प्राइम होगा या एवरी थर्ड नंबर इज प्राइम होगा या एवरी फोर्थ नंबर इज प्राइम होगा। सो हम इनफाइनाइट ऑटोमेटा तो बना नहीं सकते बिकॉज वी नीड टू मेक ऑटोमेटा इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, तो इसका ऑटोमेटा आपका नहीं बनेगा, तो ये नॉट रेगुलर है, तो बी रेगुलर नहीं है, सो यू कैन टिक ऑन बी। अच्छा इधर अलग से ऑप्शन और दिए हुए, तो बी इज वन ऑफ द ऑप्शन, आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसके अलावा कौन है। सो हियर इट सेज दैट सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स मेड अप ऑफ ए एंड बी। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सो इट इज सिंपली काइंड ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू डब्ल्यू आर वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होल स्टार, है ना, ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम हो गए। इसके अलावा अगर आपको ऑड लेंथ पैलिंड्रोम देखने हैं तो आप, और या सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स बोल रहा है, तो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर आप यहां लिख सकते हैं, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होल स्टार कॉमा एक्स इज वॉट इट इज आइदर ए और बी लाइक दिस। तो ये इस टाइप की लैंग्वेज होगी। सो वॉट वी कैन से विदाउट मेमोरी, विदाउट मेमोरी पॉसिबल नहीं है। W को आपको स्टेक में पुश करना होगा, फिर रिवर्स ऑफ W से आप उसको पॉप आउट कर सकते हैं, बट रेगुलर के केस में हमारे पास कोई मेमोरी नहीं होती है, तो व्हाट वी कैन से हम इसको रेगुलर नहीं कहेंगे, तो ये भी रेगुलर नहीं है आपका। सो B, C दोनों ही रेगुलर नहीं है। लास्ट स्ट्रिंग ऑफ A's whose length is a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि हम लोग इस टाइप से बात कर सकते हैं कि जो A है तो या तो किस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा ये जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, लाइक जैसे हम लोग बात करें 4 है, ठीक है, फिर उसके बाद 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है आपका 4 हो गया, 16 हो गया, है ना, तो इस टाइप की जो स्ट्रिंग्स है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो अगेन देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग एंड देर इज नो पैटर्न, सो इट इज ऑल्सो नॉट रेगुलर। सो वॉट वी कैन से यू कैन गो विथ ऑप्शन सी, बी सी डी तीनों है। नहीं लिख सकते बेटा उसमें, आप x इज नॉट अ ए कॉमा बी होल स्टार्स कॉम्बिनेशन, है ना, सो यू कैन नॉट राइट, x इज सिंपली ए बी है, नथिंग एल्स। यस, सो यस वी नीड टू डू द कंपैरिजन, सो बी सी डी इज योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11 एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हिच इज करेक्ट। क्या कह सकते हैं, ए इज योर आंसर, ठीक है। ए आ रहा है, ठीक है, लेट्स चेक। L1 इज अ रेगुलर लैंग्वेज, L2 इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज DCFL, L3 इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव, सो वी कैन से दैट इट इज प्योर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, प्योर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें गलत कौन सा स्टेटमेंट है ये ढूंढना है।
सो इफ आई टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ एल थ्री एंड एल वन, तो देखिए रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का इंटरसेक्शन अगर आप लोग लेते हैं किसके साथ, रेगुलर लैंग्वेज के साथ, रिजल्ट आपको रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज ही मिलेगा। वो रिकर्सिव होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। सो ए तो फॉल्स है, लेट्स ट्राई विद अनदर। सो हम देख सकते हैं यहां पे तीनों लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर मैं L1 और L2 का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे जो लैंग्वेज मिलेगा वो DCFL होगा। जब DCFL का इंटरसेक्शन में प्योर REL के साथ लूंगा तो रिजल्ट मुझे प्योर REL ही मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हमें क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है, तो ये तो सही है, ये तो सही है, पहला फॉल्स है, दूसरा सही है। थर्ड, व्हेन वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ L1 एंड L2, तो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन अगर हम DCFL के साथ करते हैं रिजल्ट हमें DCFL मिलता है। DCFL मतलब इट इज CFL, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड व्हेन वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन बिटवीन दिस, योर आंसर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, एब्सोल्युटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए फॉल्स है, बाकी तीनों सही है, ए फॉल्स है, बाकी तीनों सही है। Let's try question number 12. So read out this question carefully and try to identify what would be answer. क्या आ रहा है इसका आंसर? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। चलिए बाकी का क्या आ रहा है? टू आ रहा है, ओके ग्रेट। लेट्स सी, हमें क्या दिया है? गिवन अ लैंग्वेज वेयर एल आई एस फॉलोज, एल जीरो रिप्रेजेंट्स एप्साइलन, एल आई रिप्रेजेंट्स एल ऑफ आई माइनस वन डॉट एल, ठीक है। For all i greater than 0, मतलब अगर मुझे L1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, so it is L0 dot L. अब मुझे L0 का वैल्यू पता है, epsilon है, so this is epsilon dot L. So L1 is equals to L. ऐसा हमें समझ में आ रहा है इससे। अब exactly कहना क्या चाहता है ये देखते हैं आगे। So the order of language L is defined as the smallest case such that these two values are equivalent. मतलब आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो ऑर्डर है वो फाइंड आउट करना है। ऑर्डर क्या है आपके पास? K इज द ऑर्डर, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? सो K इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वेयर LK इज इक्वल्स टू LK प्लस 1। अगर वो दोनों इक्वल है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? वो सिंपली ऑर्डर हो जाएगा।
अब आपको बोला है कंसीडर द लैंग्वेज L1 एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ऑटोमेटा। इस ऑटोमेटा से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो क्या है, L1 है। तो हमें L1 का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ L1, ये आइडेंटिफाई हम लोग को करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मुझे ये बताइए कि L1 किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, टेल मी वंस व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज L1। कैन वी से दैट एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इनिशियल इज फाइनल, देन एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है। सिंगल जीरो एक्सेप्ट हो रहा है, यस सिंगल जीरो एक्सेप्ट हो रहा है। फिर 20 एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं। 30 एक्सेप्ट हो रहे, यस 30 एक्सेप्ट हो रहे। उसके अलावा 40 रिजेक्ट, 5 एक्सेप्ट, 6 रिजेक्ट, 7 एक्सेप्ट। तो क्या कह सकते हैं हम, किस टाइप की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है? सो व्हाट वी कैन से, कैन वी से दैट कि इट एक्सेप्ट एप्सिलॉन प्लस, एप्सिलॉन प्लस ऑड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपकी क्या है, ऑड है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई से दैट दिस इज L1, यस और नो? जल्दी से बताइए, क्या मैं इसे L1 कह सकता हूं या नहीं कह सकता? ये आ रहा है बाकी सभी बच्चों का, चेक करो। L1, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा इज लाइक दिस, एप्सिलॉन प्लस ऑड नंबर ऑफ जीरोस। कैन आई राइट लाइक दिस? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए ना। तो ये आपको हम सबसे पहले कंप्यूट कर लिया हमने, लैंग्वेज L1 ये है। ठीक है, अब अगर हम यहां देखें इस लैंग्वेज की बारे में बात करें, ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, अब अगर हम L1.L1 लेते हैं, लेट्स सी हियर, L1.L1 अगर हम लोग करते हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर। L1.L1 अगर मैं करता हूं, देन व्हाट वुड बी द आंसर? तो कैन वी से दैट एप्सिलॉन प्लस 0 0 0 स्टार डॉट एप्सिलॉन प्लस 0 0 0 स्टार। कैन आई राइट लाइक दिस? इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैन आई राइट लाइक दिस? अब इससे देखिए किस टाइप की स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट हो रही है, इससे किस टाइप की स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, यस। अगर ये सारी, ये कॉम्बिनेशन को अगर मैं इस एप्सिलॉन के साथ कनेक्ट करूं, तो व्हाट वी कैन से, इट गिव्स यू द ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। और अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं, तो कैन आई से दैट इट गिव्स यू द इवन नंबर ऑफ जीरोस? तो ये आपको इवन नंबर ऑफ जीरोस दे देगा, इट गिव्स यू इवन नंबर ऑफ जीरोस। सो व्हाट वी कैन से, L1.L1 गिव्स यू एप्सिलॉन ऑड जीरो इवन जीरो। सो कैन आई से दैट इट इज जस्ट लाइक अ जीरो स्टार, इट इज जस्ट लाइक अ जीरो स्टार, इट इज जस्ट लाइक अ जीरो स्टार। तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है, ऑड नंबर के जीरो भी एक्सेप्ट कर रहा है, इवन नंबर के जीरो भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो जीरो स्टार हो गया। ये L1 था, ध्यान से देखिए, ये L1 था, इसको L1 स्क्वायर कह सकते। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर L1.L1.L1 किया 3 times, मतलब ये L1 क्यूब हुआ, ठीक। सो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन गौर फरमाइएगा, L1.L1 का रिजल्ट हमें पता है 0 स्टार, डॉट L1 हमें पता है एप्सिलॉन प्लस 0 0 0 स्टार। सो अल्टीमेटली जब इन दोनों का डॉट भी करेंगे, तो वो सारी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा ना, 0 star dot epsilon is 0 star, it gives you all the string over the 0, तो ultimately it is 0 star. तो can we say that कि जो आपका L1 square था वो L1 cube के बराबर है? तो according to that, what we can say, इसको compare कर लो इससे, so can we say that the value of k is 2, means इसका order कितना हो गया आपका, 2 हो गया, इसका order कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, गॉट इट? आ गया समझ में?
क्यों समझ में नहीं आया बेटा? यहां तक समझ में अगर आया तो एल वन स्क्वायर को यहां पे 3 को क्या लिखेंगे? मैं 2+1 लिख सकता हूँ। सो एल के इज इक्वल टू एल ऑफ के प्लस वन, सो के की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। आपने क्या किया सर, जो लैंग्वेज एल वन आया उसका कॉन्किटिनेशन ही तो करना, एल वन डॉट एल टू ये रिजल्ट आ रहा है, फिर एल वन डॉट एल वन डॉट एल वन वो रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ रिजल्ट 0 स्टार है, ये रिजल्ट भी 0 स्टार है, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। सिंपल, आई समझ में? चलिए लेट्स मूव ऑन द अनदर वन, सी क्वेश्चन नंबर 13 एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा बेटा? कह दिया है लेट एन बी एन एन एफ ए विद एन स्टेट्स, लेट के बी द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ मिनिमल डीएफए व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब भी हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, अगर एनएफए में एन नंबर ऑफ स्टेट्स होती है देन डीएफए कैन कंसिस्ट मैक्सिमम 2 to the power n स्टेट्स। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेट? इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n, सो कैन वी गो विद ऑप्शन डी? तो डी के साथ हम लोग यहां पे जा सकते हैं, ठीक है? सो डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। चलिए तो सिंपल क्वेश्चन था, लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 14 एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करो बेटा और बताओ क्या होगा इसका आंसर। ट्राई इट एंड टेल मी What would be answer for this question? नहीं, क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यू ही है, इज नॉट एमएसक्यू। ट्राई करो एक बार। ओके क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। लेट्स वेरीफाई योर आंसर। वन टू फोर एट टू रेस टू एन रिटर्न इन बाइनरी, ठीक है। देखिए फर्स्ट अगर ऑप्शन ए की बात करें और इसको हम बाइनरी में लिखते हैं तो 1 by 2 का बाइनरी क्या हुआ? 1 0। 4 का बाइनरी 100, 8 का बाइनरी 1000, सिमिलरली एंड सो ऑन। कैन वी से दैट इट इज जस्ट लाइक 10 स्टार, एंड 10 स्टार इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, वी कैन इजीली डिजाइन द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर दिस। सो ए जो है उसका तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सो ए इज योर आंसर. लेट्स ट्राई अदर ऑल्सो. बी की बात करते हैं. द नंबर ऑफ रिटर्न इन यूनरी. यूनरी का मतलब क्या है? आपके पास एक ही इनपुट है. बाइनरी और यूनरी में डिफरेंस होता है. यूनरी का मतलब क्या है? वन का यूनरी वन होगा, टू का यूनरी मतलब वन वन, फोर का यूनरी मतलब फोर टाइम्स वन. ठीक है, आगे अगर एट आया, एट का यूनरी मतलब एट टाइम्स वन. ओके, एंड सो ऑन. सो सिंपली वी कैन से इट इज जस्ट लाइक अ वन टू द पावर टू टू द पावर आई. गॉट इट? यस, जस्ट लाइक दैट. और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो लैंग्वेज होती है इसमें कोई भी पैटर्न हम नहीं बना सकते. दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती है. दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. ओके, लेट्स सी. ऑप्शन सी की बात करें. द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच द नंबर ऑफ जीरो इज सेम एज द नंबर ऑफ वन. तो सिंपल सा यहां पे जीरो और वन के बारे में क्या बोल रहा है कि इक्वल होने चाहिए. तो अगर आपके पास कोई एक बाइनरी स्ट्रिंग है जो 0, 1 से बिलोंग करता है तो नंबर ऑफ जीरो इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वन इन अ स्ट्रिंग. कुछ इस टाइप की लैंग्वेज है. तो जब तक हम लोग सिंपली कह सकते हैं अगर जीरो आता है तो पुश किया तो वन से जीरो को पॉप करना पड़ेगा तभी इक्वलिटी हम लोग चेक कर पाएंगे, या वन आया तो पुश किया फिर जीरो से पॉप करेंगे. तो इस टाइप से यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा नहीं डिजाइन कर सकते. सो इट इज नॉट रेगुलर. ये रेगुलर नहीं है. इट इज नॉट रेगुलर. लेट सी द ऑप्शन डी. द सेट. अब देखिए यहां पे सेट अगर देखें, कैन वी से दैट फर्स्ट स्ट्रिंग इज वन, लेकिन उसके बाद आप देखिए जीरो के पहले जितने वन आ रहे हैं जीरो के बाद उतने ही वन आने चाहिए. सो हाउ मेनी जीरोस बिफोर द वन, उतने ही वन जीरो के बाद होने चाहिए. सो व्हाट वी कैन से इन दैट कंडीशन कि ये जो है यह इक्वलिटी है. जीरो के पहले जो भी वन आ रहे वी नीड टू पुश दैट वन. तो जीरो के बाद उन वन को हम क्या कर सकते हैं? पॉप कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से अगेन, इट इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन. तो ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन. आई बात समझ में? चलिए, ग्रेट. ओके, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15. यहां पे आपको स्ट्रिंग मैच करनी है. सिंपल क्वेश्चन है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो एक्सप्रेशंस हैं वो सिमिलर है. क्या ऑप्शन आ रहा है? सी आ रहा है. ठीक है, तो देखिए सिंपली फर्स्ट स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें, इट इज 0 0 होल स्टार एप्साइलन प्लस 0. सो व्हाट वी कैन से, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 0 होल स्टार डॉट एप्साइलन इज 0 0 होल स्टार प्लस 0 0 होल स्टार डॉट 0. सो व्हाट वी कैन से, इससे इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, इससे ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहा है. तो कैन वी से दैट इट इज दिस काइंड ऑफ जीरो स्टार. So it gives you all these strings. सारी strings आप लोग को दे देगा. It gives you 0 star and it gives you 0 star. So can we say that first and third is same? So we can go with option C. First and third is same here. Exactly. तो option C के साथ आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है,
Let's see the question number 16. You need to check that which of the following is true. इनमें से कौन सा सही है? Try it and tell me. Which is true? Which of the following is true? देखिए, एमएसक्यू होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपका आंसर जो सही है वो टिक करना है, एमएसक्यू या एमसीक्यू से कुछ अंतर थोड़ा पड़ने वाला है। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला बोल रहा है कि एक्स हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, तो ये रेगुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको किस टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेगी जहां पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। तो अगर ए और बी बेटा इक्वल होने चाहिए तो उस केस में रेगुलर कैसे पॉसिबल है? वी कैन नॉट डिजाइन द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर दिस, जितने ए आएंगे उतने ही बी आने चाहिए, फॉर दैट वी नीड टू डू द कंपैरिजन एंड फॉर कंपैरिजन वी नीड टू स्टोर ए इन सम मेमोरी एरिया, तभी तो हम बी से कंपेयर करेंगे कि हाँ ये बराबर है या नहीं। तो वॉट वी कैन से ये तो हमेशा ही फॉल्स है ना, क्योंकि ये रेगुलर है ही नहीं, इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सी एफ एल हम जरूर इसको कह सकते हैं कि ये सी एफ एल है, ठीक है, इट इज सी एफ एल। अच्छा, अगर इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ये जो सी एफ एल है ये डीसी डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, देन व्हाट वुड बी योर आंसर, टेल मी। अगर ऑप्शन ए के बारे में आपसे पूछा जाता रेगुलर नहीं है, ये तो गारंटेड है, बट अगर यहां पर पूछ लेते कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तो है बट कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है, देन व्हाट इज योर आंसर। So it is DCFL. So simple सा concept है, जब भी A आ रहा है अगर आप push कर रहे हो, देखिए दो चीजें हो सकती हैं यहां पे। String किस type की हो सकती है? Can we say that AB ये string भी हो सकती है, BA ये string भी हो सकती है, BBAA ये string भी हो सकती है, AABB ये string भी हो सकती है, कोई भी टाइप की स्ट्रिंग जहां पे नंबर ऑफ ए और बी इक्वल है वो वहां हो सकता है, ठीक है। सो आपको करना क्या है यहां पे, आपको करना क्या है यहां पे, अगर ए आता है स्टेक एम्प्टी है पुश कर दीजिए, बी आता है इसको पॉप कर दीजिए, फिर स्टेक खाली हो गया, फिर ए आया पुश कर दिया, बी आया स्टेक से ए को पॉप कर दिया। अगर रिवर्स होता है स्टेक खाली है, देखिए सिंपल सा रूल क्या बनाना है, इफ योर स्टेक इज एम्प्टी तो चाहे ए आए चाहे बी आए पुश करना है। अब अगर ए आ गया तो ए के बाद अगर फिर से ए आता है तो फिर से पुश करना है। अगर टॉप पे ए है और इनपुट बी आता है तो ही पॉप करेंगे, और अगर टॉप पे बी है इनपुट ए आता है तो ही पॉप करेंगे। तो वी कैन से दैट इट इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, हर इनपुट के करेस्पॉन्डिंग अगर रूल फिक्स्ड है तो वो डीसीएफएल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड इज नॉट रेगुलर, अगेन वी नीड टू रिमेंबर हाउ मेनी एज आर देयर एंड देन द नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल टू दैट।
ठीक है, तो यहां पे भी कंपैरिजन लग रहा है आपको, तो ये भी नॉट रेगुलर है, तो पहला वाला रेगुलर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे में भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो एक्स हैज मोर एज देन बी, तो नंबर ऑफ ए जो है वो बी से ज्यादा होने चाहिए, मतलब एट द एंड स्टेक में ए तो बचना ही चाहिए, ए और बी के पहले इक्वल कंपैरिजन करवा दिए, उसके बाद भी अगर स्टेक में ए बच रहा है तो एक्सेप्ट कर देंगे, तो इट इज नॉट रेगुलर, ये भी सी एफ एल है, तो फर्स्ट थ्री आर सी एफ एल, दे आर नॉट रेगुलर, लास्ट वाला इज दिस काइंड ऑफ ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी प्लस का फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये ए प्लस हो गया और उसके बाद ये बी प्लस हो गया और इस स्टेट को हमने फाइनल बना दिया, सो यस डी इज रेगुलर, डी इज रेगुलर, ओके, तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग यहां पे जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, राइट एंड टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इस टाइप ऑफ सी एफ एल, यस डी जो था सिर्फ वो रेगुलर था, इन एवरी रेगुलर इज सी एफ एल, वो भी है, तो अल्टीमेटली ऑल आर सी एफ एल इन प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए, आपको यहाँ पे थ्री टाइप की लैंग्वेजेस दिए, एल वन आपको बोला है सी एफ एल है, एल टू भी आपसे कहा है इज ऑल्सो सी एफ एल, और आर जो आपसे कहा है इज ए रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, सो थ्री languages other, L1 is CFL, L2 is CFL, R is regular, okay? So which of the following is R false? कौन सा false है? तो अब आप first option में देख सकते हैं, first option देखिए आप, L1 का complement, complement of L1, L1 क्या है आपका CFL, complement of CFL हम लोग क्या कह सकते हैं? Complement of CFL is CSL, context sensitive language, union L2, union L1, ठीक है? अब L2 आपको क्या दिया हुआ है? CSL union L2 is CFL union, then again L1 is there. L1 is what? It is CFL. So ultimately your final result is CSL. तो क्या वो context free होगा? क्या वो context free होगा? क्या वो context free होगा? तो what we can say, उसका context free होने का चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी कांट श्योर, क्योंकि सी एस एल रिजल्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, पहला फॉल्स है। दूसरे की बात करें, आर कॉम्प्लीमेंट, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर ही होता है, उसका यूनियन सी एफ एल के साथ लिया तो रिजल्ट सी एफ एल आएगा, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका हमेशा सही होगा। नाउ व्हाट वी कैन से, आर इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री,
तो आर क्या है, रेगुलर, रेगुलर का इंटरसेक्शन सीएफएल के साथ लिया, रिजल्ट सीएफएल आएगा, और सीएफएल दो सीएफएल का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या वो सीएफएल होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सीएफएल इज व्हाट इट इज, इट मे बी सीएसएल, है ना. तो सीएसएल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जा सकती है. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज्ड नहीं होती, तो थर्ड बी फॉल्स है. फोर्थ की बात करें, आर इंटरसेक्शन एल टू, तो आर रेगुलर है, एल टू सीएफएल है, तो अल्टीमेटली उसका इंटरसेक्शन सीएफएल ही होगा. यस दिस इज ट्रू. सो यू कैन गो विथ ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थ्री इज फॉल्स, वन एंड थ्री इज फॉल्स. गॉट इट? यस डेफिनेटली. तो बी इज योर आंसर. यहां आप लोग एक पॉइंट याद रख सकते हो, लेट्स सी हियर. देखिए मैं यहां पे एक पॉइंट आपको बता देता हूं. जैसे सपोज टू बी एल जीरो, मैं कहता हूं कि एल जीरो इज अ फाइनाइट लैंग्वेज, फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है. एल वन इज रेगुलर लैंग्वेज, एल टू इज कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग ले लेते हैं डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है. एल थ्री अगर आपके पास दिया हुआ है सपोज इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एनसीएफएल और सीएफएल, सिंपल. एल फोर इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एल फाइव इज रिकर्सिव लैंग्वेज, एल सिक्स इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, एंड सपोज एल सेवन इज नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, है ना. ये हमें कुछ, सपोज मैंने कैटेगराइज किया इनको इस तरीके से कि सारी लैंग्वेजेस आ गई फाइनाइट से लगा के नॉट रेगुलर, नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल तक, ठीक, सारी ही आ गई. अब इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे एल एल लोअर, लोअर मतलब दिस लोअर, लोअर वैल्यू जीरो, जीरो मीन्स लोअर, सेवन मीन्स अपर हाई वैल्यू. सो एल लोअर यूनियन एल अपर, जब भी हम करेंगे रिजल्ट हमेशा आपको एल अपर मिलेगा. अब कोई भी दो लैंग्वेज है, जैसे आपने बोला कि अगर सर मैं L4 को L6 के साथ यूनियन करूंगा तो रिजल्ट L6 होगा, L1 को L2 के साथ यूनियन करूंगा रिजल्ट L2 होगा, L1 को L4 के साथ यूनियन करूंगा रिजल्ट L4 होगा. ये जनरलाइज टर्म आप याद रख सकते हो, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें L लोअर इंटरसेक्शन L अपर, योर आंसर इज L अपर, ठीक. एल लोअर कॉन्केटिनेट विथ एल अपर, योर आंसर इज एल अपर. एल अपर माइनस एल लोअर, योर आंसर इज एल अपर. सो आप इस तरीके से भी जगत आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में अगर आपको ये ऑपरेशंस करने के लिए दे दे, लाइक यूनियन इंटरसेक्शन डॉट सब सेट डिफरेंस, यू कैन गो विद एल अपर. ये एज ए शॉर्टकट याद रख सकते हो. क्लियर है क्या ये पॉइंट? क्लियर है? देखिए मैंने अपर माइनस लोअर लिखा है, अगर लोअर माइनस अपर करते हैं, एल लोअर माइनस एल अपर करते हैं, तो ये किस टाइप से हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एल लोअर इंटरसेक्शन एल अपर कॉम्प्लीमेंट. अब यहां पे क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि जो एल अपर है ये अगर सी एफ एल है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एफ एल क्या हो जाएगा? सी एस एल. अब सीएसएल का उसकी लोअर लैंग्वेजेस के साथ अगर कुछ भी रिजल्ट निकालते हो तो रिजल्ट सीएसएल ही आएगा, ठीक है. इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं. गॉट इट? सुमंजित क्लियर है? यहां पे डायरेक्टली जैसे यहां ये मैंने लिखा ना, इसका मतलब है कि अगर ये L6 है तो रिजल्ट L6 एग्जैक्टली आ जाएगा. बट जब आप लोअर माइनस अपर करोगे तो अगर सपोज टू बी अपर आपका L2 है या अपर आपका L3 है, सपोज आपका अपर क्या है L3 है, तो रिजल्ट L4 भी हो सकता है. तो अगर आपका अपर L3 है और आप इस तरीके से कर रहे हो तो रिजल्ट L4 आ सकता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं होती है ना, इसलिए.
तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइप से आपको वेरीफाई करके और उसको बता सकते हो आप। क्लियर इतना? चलिए, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर द 0 1 डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 100 एज अ सब स्ट्रिंग। तो पहले में तो 1,0 होल स्टार है, तो ये तो 10 डबल स्ट्रिंग कंसिस्ट कर ही लेगा। यहां पे भी 10 बहुत सारे हैं, तो ये भी कंसिस्ट कर लेगा। सी ऑप्शन में 100 नहीं आएगा, डी ऑप्शन में भी 100 नहीं आएगा। तो क्या हम दोनों ऑप्शंस को टिक करें सर? तो क्या हमें दोनों को टिक करना चाहिए या दोनों में से किसी एक को टिक करना चाहिए? तो आपको यहां पे क्या लिखा है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो वो सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट करे जिसमें 100 नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि एप्साइलन सर, सो एप्साइलन इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग दैट डज नॉट कंसिस्ट 100 एज अ सब स्ट्रिंग। आई बात समझ में? तो आपके ऑप्शन से एप्साइलन भी जनरेट होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन सी से एप्साइलन आएगा? नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट योर आंसर, यू कैन गो विथ ऑप्शन डी, यू कैन गो विथ ऑप्शन डी। यस यस ऋषभ, एल लोअर इंटरसेक्शन एल अपर होगा। देखो लोअर और अपर मैंने वहां पे लिखा था, L0 L1 उसके हिसाब से करना है ना। जैसे मैंने बोला रेगुलर का इंटरसेक्शन आप CFL से लोगे तो रिजल्ट आपको CFL मिलेगा ना। तो रेगुलर को मैंने L0 बोला है, इंटरसेक्शन CFL को मैंने L3 कहा है, रेगुलर को मैंने L1 लिखा था है ना, और CFL को मैंने L3 लिखा था। तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन ले रहे, रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो L1 मतलब लोअर, 3 मतलब अपर, रिजल्ट इज अपर लाइक दिस। आई बात समझ में? Are you getting my point? चलिए, great. तो yes, now कल morning आप लोगों का session है, morning 7 AM we are going to start revision of stake and queue. ठीक है, तो stake और queue को revise करेंगे morning 7 to 8:15 अन अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सर आई हैव नेवर सीन यू लाफिंग इन द क्लास। हाँ बेटा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सीरियसली ही पढ़ाता हूं है ना, इसलिए शायद आपने देखा नहीं होगा। चलिए, तो 7 AM to 8:15 AM मॉर्निंग आप स्टेक क्यू का रिवीजन करना चाहते तो क्लास जरूर अटेंड करिएगा। स्पेशल क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री है, और यू नीड टू अप्लाई द कोड दैट इज GA1111। ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा तो फ्री स्पेशल क्लास है, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। चलिए, सो ऑल ऑफ यू सर डिसाइडेबिलिटी, यस डिसाइडेबिलिटी और जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलो, डेफिनेटली आई विल टेक वन सेशन है ना। तो अभी थोड़े क्वेश्चन हम लोग कर ले, एक सेशन में मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी है ना। तो उसके बाद ही फिर नया कुछ स्टार्ट करेंगे,
मैंने बोला है आपको बता दूंगा, ठीक है? तो उसका एक एक सेशन में ले लूंगा, डोंट वरी। ओके, सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मॉर्निंग में।